उपमंडल नादौन की ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के रक्कड़ गांव में एक परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया। दो मंजिला स्लेट पोश मकान में अचानक आग लग गई और कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण करते हुए पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपरी मंजिल के चार कमरे राख के ढेर में तब्दील हो गए और निचली मंजिल के कमरों की छत भी जल गई। आगजनी की ये घटना शनिवार शाम को पेश आई। इस अग्निकांड में 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। मकान के अंदर रखा हुआ सामान जिसमें टीवी, फ्रिज, बेड, रुपए और गहने जल गए हैं। आग लगने का पता चलते ही परिवार के लोगों ने शोर मचाया और ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाया लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। दमकल विभाग को भी घटना की सूचना दी गई लेकिन मकान तक सड़क सुविधा न होने के चलते गाड़ी मौके तक नहीं पहुँच पाई। वहीं सूचना मिलने के बाद संबंधित पंचायत प्रधान गुरमीत कौर और उप प्रधान संजीव कुमार भी मौके पर पहुंचे। पटवारी को भी घटना की सूचना दे दी गई है। राजस्व विभाग की तरफ से नुकसान का आकलन किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्रधान पुतड़ियाल गुरमीत कौर, मेरे पंचायत में गांव रक्कड़ में श्री बलदेव सिंह सन्नौप सिंह लश्करी राम जी के घर में अचानक से आग लग गई है और इस आग की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। इनका कम से कम 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये है कि जान माल का जान जो है वो बच गई है। बच्चे भी अंदर थे जिन्हें झटपट से बाहर निकाला गया और जैसे ही हमें पंचायत वालों को पता चला, मैं और उप प्रधान जी मौके पर आए और वार्ड पंच जी वहीं पे थे, उनके घर के पास हैं। इन्होंने हमें फोन करके रिपोर्ट दी। बता दें कि पीड़ित बलदेव सिंह के मकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। लोगों की माने तो फ्रिज से धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी जिसके बाद आग लगने का पता चला। मकान के अंदर रखे कपड़ों और लकड़ी के आग पकड़ते ही स्लेट पोश छत सुलग उठी और बड़ी लपटों में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाया। बलदेव सिंह दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।